सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश कांबळे और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रीसेट विंडोज 10 कंप्यूटर। विंडोज 10 कंप्यूटर को हम लोग कैसे रीसेट कर सकते हैं। अभी रीसेट करना मतलब क्या, ये हम लोगों को पहले पता होना चाहिए। नॉर्मली जब भी विंडोज पे कुछ ना कुछ इशू आता है, हमारे सिस्टम का फाइल्स जो है वो करप्ट हो जाता है, या फिर कुछ एरर आता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आता है, या फिर ऐसा कोई एरर आता है जिसको हम लोग रीइंस्टॉलेशन के भरोसे छोड़ देते हैं, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है वो रीइंस्टॉल करना ही पड़ता है, ऐसा एक ऑप्शन विंडोज 10 में है कि आपको विंडोज 10 को रीइंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और आपका जो कंप्यूटर है वो एज अ फ्रेश और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो भी उसमें है वो हम लोगों को मिल जाएगा। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोगों को मिल जाएगा, उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है वो हम लोग इसकी बदौलत डिलीट कर सकते हैं और जो भी डेटा है वो भी हम लोग इसके हेल्प से डिलीट कर सकते। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं। विंडोज 10 के कंप्यूटर पे आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अभी सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी करके ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी अपडेट एंड सिक्योरिटी में रिकवरी करके ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीसेट दिस पीसी में गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अभी रीसेट दिस पीसी वाला विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। कीप माई फाइल्स ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारा जो भी डेटा है, हमारे जो भी फाइल्स है वो वैसे ही रहेंगे। मैं सी ड्राइव की बात कर रहा हूँ। सी ड्राइव में नॉर्मली हम लोग रीइंस्टॉलेशन करने के टाइम पे फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फाइल्स रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगा, कुछ भी आपका फाइल्स डिलीट नहीं होगा। आपके डिलीट होंगे तो सिर्फ एप्लीकेशंस डिलीट होंगे, सेटिंग्स डिलीट होंगी। सेटिंग्स मतलब आपने जो भी सेटिंग्स करके रखी है, सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, क्लॉक का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, या फिर आपने कोई कस्टमाइज़ किया है आपके विंडोज़ को, तो वो जो सेटिंग्स है वो सब डिलीट हो जाएंगी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। रिमूव एवरीथिंग जो ऑप्शन है वो रिमूव कर देगा आपके पर्सनल फाइल्स को भी, एप्लीकेशंस को भी और सेटिंग्स को भी। तो अगर आपको एकदम क्लीन वाला विंडोज़ चाहिए तो आप रिमूव एवरीथिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और आपको एकदम चकाचक वाला विंडोज 10 मिल जाएगा। तो रिमूव एवरीथिंग पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे कोई फाइल्स नहीं चाहिए, मेरे को एकदम चकाचक वाला विंडोज 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिमूव एवरीथिंग पे। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रही है। ये जो ऑप्शन है ना, क्लाउड डाउनलोड, ये नया ऐड किया हुआ है, पहले यही ऑप्शन था लेकिन यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड जो है वो नया ऐड किया हुआ है। क्लाउड डाउनलोड क्या करेगा, आपका जो विंडोज 10 है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्लाउड से डाउनलोड करेगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा और आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लगेगा उसके लिए। यहाँ पे देखो लिखा है क्लाउड डाउनलोड कैन यूज मोर देन 4GB ऑफ डेटा। सो 4GB ऑफ डेटा आपको लगेगा, इंटरनेट का डेटा के बारे में बात करें ये लोग, और फिर आप क्लाउड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका इंटरनेट का स्पीड अगर स्लो है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट मत ही करना, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतना टाइम लगेगा इसको। सो इंटरनेट का स्पीड अगर फास्ट है ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो और क्लाउड डाउनलोड कर सकते हो। लोकल रीइंस्टॉल, आपके जो विंडोज 10 के फाइल्स है, नॉर्मली विंडोज 10 में फाइल्स होते हैं, वही ये यूज़ करेगा और लोकली रीइंस्टॉल कर देगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन हम लोगों को दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग्स करके। तो यहाँ पे करंट सेटिंग्स जो है वो हम लोग ने जो भी सेटिंग्स सिलेक्ट किया है यहाँ पे दिए, यहाँ पे उसका समरी दिया हुआ है, रिमूव एप्स एंड फाइल्स, डू नॉट क्लीन द ड्राइव, रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। अगर सेटिंग्स चेंज करना है तो चेंज सेटिंग्स पे मैं क्लिक करूँगा। अभी चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद क्लीन डेटा यहाँ पे एक ऑप्शन है, जस्ट रिमूव फाइल्स, दिस इज क्विकर बट लेस सिक्योर। अभी ये क्या बोल रहा है, आपका ये जो सिलेक्टेड सेटिंग है ये आपकी जो फाइल्स है वो क्विकली डिलीट कर देगा, लेकिन वो सिक्योर नहीं होगा। मतलब अगर सपोज आपका सिस्टम बेच रहे हो और
आपको आपका डेटा जो है वो पूरा क्लीन करना है, फोटोज वीडियोज जो भी है वो पूरे क्लीन करने हैं। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डेटा है वो रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए कि आपका डेटा जो है वो रिकवर हो, तो आपको यस यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, क्लीन द ड्राइव, दिस मे टेक आवर्स बट विल मेक इट हार्डर टू रिकवर फाइल्स। अगर आप सिस्टम बेच रहे हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यस वाला। अगर आप सिस्टम नहीं बेच रहे, आप ही यूज़ करने वाले हो, तो नो सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। आपके सिस्टम पे जो डेटा है वो अदर डेटा की हेल्प से ओवरराइट हो जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। तो डाउनलोड विंडोज़ करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, री इंस्टॉल विंडोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस। यहाँ पे हम लोग ने सेटिंग किया था, हम लोग का जो विंडोज़ 10 है वो इसी सिस्टम से री इंस्टॉल हो और कोई भी डाउनलोड नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर डाउनलोड करना है आपको तो यस पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे विंडोज़ 10 जो है वो क्लाउड से डाउनलोड होगा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोकली इसको री इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे हम लोगों को वही सेटिंग्स दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है। अगर चेंजेस करोगे तो यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे कुछ टाइम लेगा वो कैलकुलेट करने के लिए, और इसके बाद में हम लोगों को ये मैसेज दिख जाएगा कि भाई तूने ये सेटिंग किया हुआ है, अभी रीसेट करना है तो रीसेट पे क्लिक कर। ये सब चेक कर लेना कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है और आपके हिसाब से फिर से कस्टमाइज आप कर लेना। उसके लिए आपको कैंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करूँगा और ये जो है वो प्रिपेयरिंग 1% चालू हो गया है और दिस डिवाइस विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। तो यहाँ पे रीस्टार्ट का प्रोसेस बहुत बार होने वाला है, तो इसको लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम से लगने वाला है। तो इसको मैं ऐसे ही रखने दूंगा और फिर हम लोग बात करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद विंडोज़ 10 को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद हम लोगों को ये स्क्रीन दिखाई देगा, बहुत बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा और कुछ अपडेट्स भी लेते रहेगा वो, और फिर बाद में हम लोगों को ये स्क्रीन दिखाएगा, लेट्स स्टार्ट विद रीजन। सो हम लोग इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगर आप कौन सी आपकी कंट्री के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वही सिलेक्ट करूँगा, फिर यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड लेआउट हम लोगों को सिलेक्ट करना है, यूएस कीबोर्ड लेआउट है, यूएस कीबोर्ड लेआउट जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यस पे क्लिक करूँगा। और फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि सेकेंड लेआउट आपको ऐड करना है कि नहीं करना। अगर ऐड करना है तो ऐड लेआउट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे अगर सपोज़ मैं कोई और लेआउट हम लोगों को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँगा और फिर स्कीप पे क्लिक। अभी ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने देना है और फिर हम लोगों को ये कुछ और प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन पूछने वाला है, तो हम लोगों को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये विंडोज़ 10 का लाइसेंस एग्रीमेंट है, हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट का बटन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। अभी यहाँ पे सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ पे क्लिक करूँगा मैं और क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लेट्स ऐड योर अकाउंट, एक्सेस योर एप्स फाइल सर्विसेज अक्रॉस योर डिवाइसेस विद योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अभी ये जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन अकाउंट का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो भी अकाउंट है आपका, हॉटमेल का जो भी अकाउंट है, वो यहाँ पे आपको ऐड करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे मैं ऑफलाइन अकाउंट यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑफलाइन अकाउंट, क्लिक करना है वहाँ पे और फिर हम लोगों को एक नया सेटअप दिखने मिलेगा। ये वाला ये बोल रहा है कि आप साइन इन करो, फिर हम लोग आपको बहुत सारा अच्छा खासा सर्विसेज देंगे, एप्लीकेशंस देंगे, तो हम लोगों को फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। तो लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आप लॉगिन करें माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि कौन सा सर्विसेज आपको मिल रहा है। तो मैं फ़िलहाल तो लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ ही ये इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मेरा यूज़र अकाउंट, नया यूज़र अकाउंट है, और इसको नाम दूंगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो
आप उसका आंसर परफेक्ट दे देना, मैं तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो आपको रिकवरी के टाइम पे यूज होंगे, तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो आप परफेक्टली फिलअप कर देना। यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स है तो मैं ये सबको नो करने वाला हूँ, क्लिक ऑन एक्सेप्ट। मैं फिलहाल तो नॉट नाउ पे क्लिक करने वाला हूँ, और फिर हम लोगों का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी ये लॉगिन हो रहा है मेरे कंप्यूटर में और फिर हम लोग अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स एंड बाय।